नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। आज हम कुरुक्षेत्र आए हैं और हमारे साथ सुशील गुप्ता जी हैं, इंडिया अलायंस के अधिकृत लोकसभा उम्मीदवार और पहले लिस्ट यानी कि हरियाणा में पहला भी लोकसभा उम्मीदवार घोषित हुआ तो सुशील गुप्ता जी थे। गुप्ता जी स्वागत है आपका हरियाणा तक। नमस्कार। आपकी हरियाणा की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है और आप अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खासकर हालांकि आप लंबे समय से पार्टी का काम तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने जीवन की शुरुआत के बारे में, कहाँ के आप रहने वाले हैं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई की, बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों में। मैं जिला जींद में जो कुरुक्षेत्र विधानसभा के साथ साथ हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से आधे घंटे के रास्ते पर मेरा गाँव है सामलो कला में रहने वाला हूँ। मेरा जींद के अंदर भी घर है, मेरा दिल्ली के अंदर भी घर है, काम कुरुक्षेत्र के अंदर भी घर बना दिया है और सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहता हूँ। मैं गांव के अंदर पैदा हुआ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की, लॉ किया, फिर मैंने MBA किया, फिर बीएड की उपाधि ली और समाज के साथ जुड़े रहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर। आप जींद से आप दिल्ली पहुंचे और आपने, मैं देख रहा था जब आपके इंटरव्यू ले रिसर्च कर रहा था कि आपने कई सारे ट्रस्ट बनाए हैं, बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं जिनमें स्कूल भी हैं, कॉलेज हैं और हॉस्पिटल भी आपके चलते हैं, तो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं आप पॉलिटिशियन से पहले। ये जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब दरबार काम है। अच्छा, इसका बिजनेस से कोई संबंध नहीं। बेसिकली जो हॉस्पिटल है हमारा 2000 व्यक्तियों का परिवार है, उसमें हमारा जाकर से हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट से मैं जुड़ा हूँ। तो ट्रस्ट दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल चलाता है, पंजाबी बाग में, हरियाणा में चलाता है, बहादुरगढ़ में, द्वारका के अंदर चलाता है, तो अलग अलग जगह करता है। वो ट्रस्ट लगभग 60 करोड़ के साल के चैरिटी। इसी प्रकार स्कूल्स जो है, दो स्वतंत्र एजुकेशन ट्रस्ट है हमारा, एक पंजाबी में टूटापुरा मिला, बाकी एक पवन गंगा एजुकेशन सोसाइटी है, उसके माध्यम से हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, मगर जो भी चलाते हैं स्कूल और कॉलेज वो देहात में चलाते हैं। देहात में जाके हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं, सब एक्रेडिटेड है और एक अच्छी शिक्षा देना उसके माध्यम से हमारा उद्देश्य। अच्छा, एक आपने बात की कि आप अध्यात्म धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार ये भी लिख रहा था कि आपके ना बहुत सी जगहों पे जैसे सालासर धाम हो, खाटू श्याम जी हो, बहुत सी धर्मशालाएं भी आपने बनवाई हैं जो चल रही है, तो ये आपका रुझान धर्म की तरफ मतलब इतना कैसे हुआ और खासकर ये सब कैसे किया? देखिए, जो पहले हमने एजुकेशन सोसाइटी जो बनाई उसका नाम भी पावन गंगा सेंटर, गंगा भैया सेंटर, उसके अंदर जो हाउसेस बनाए हैं हमने, मदाकिनी, भागरथी, अलकनंदा, ये सब गंगा के जो ब्रांचेज हैं उनके नाम से रखे। धर्म मेरी माता जी नारायणी देवी हमें पिताजी शुरू से ही हरिद्वार से सारे चीज़ों से जुड़े हुए थे और वही संस्कार मेरे भाई ने फिर धर्मशाला हरिद्वार के अंदर बनाई, अलग अलग ट्रस्टों से जुड़े रहे। वर्तमान में मैं कुरुक्षेत्र के अंदर जो 18 मंदिर का मंदिर बन रहा है, 11 मंदिर, इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। इस धर्मशाला में आप बैठे हुए हैं अंचेतर ट्रस्ट के अंदर, इसका अध्यक्ष मैं हूँ और एक 2 एकड़ के अंदर अपना सरोवर के तक एक दरबार हॉस्पिटल के लिए जमीन ले रखे हैं, फिर उसका नक्शा पास करना दे रखे हैं। जैसे नक्शा पास हो जाएगा वो कुरुक्षेत्र के अंदर भी हम दरबार हॉस्पिटल की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही वृंदावन में 200 कमरे की धर्मशाला है, हरिद्वार में है, सालासर के अंदर है, अलग अलग जगह जो समाज की चीजें हैं समाज के साथ जुड़े हुए हैं, और मंदिर, रामलीला, जन्माष्टमी, ये शुरू से जो हिंदू धर्म की प्रेरणा मिली है तो कामों के अंदर जुड़े हुए सारा परिवार जुड़ा। अच्छा, आप अध्यात्म धर्म से इतना लगाव, तो फिर राजनीति की कैसे शुरुआत हुई गुप्ता जी, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे फिर आप आम आदमी पार्टी में आए? देखिए,
मैं राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति जाता हूँ। ये लंबी जोली प्रसाद है, समाज के लिए पैसे मांगते हैं और समाज की संस्थाओं का निर्माण करते हैं और उन्हीं से चैरिटी होती है। मैं छात्र जीवन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का चुनाव में लड़ा, यानी स्वयं से कांग्रेस से लड़ा और उसके बाद मोदी नगर दिल्ली से मैंने विधायक का चुनाव लड़ा 2013 और उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अरविंद केजरीवाल जी तो मैं उसी भी 10 साल पहले से मैं जानता था। अरविंद जी को मैं अपने हॉस्पिटल्स में, जन्म अष्टमी में, रामलीला में, स्कूल में बतौर वो कहते थे बुलाकर। जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए काम किया, मैंने को मिला तो मेरे वो शिक्षा और चिकित्सा का काम देखते थे तो वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़ो, तो पार्टी का निर्माण उन्होंने किया। और जहाँ भी मैं बुलाता था, चाहे अग्रवाल समाज के फंक्शन को बुलाता था, वो कहते थे इसको मैं लेके जाऊँ और वो लेके मुझे थे सांसद बना दिया। एक मैं जब आपकी ये स्विच पढ़ रहा था कि जब आप कांग्रेस से आए आम आदमी पार्टी में, तो उस समय दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं के इस तरह के बयान है, खासकर संदीप दीक्षित के बयान है, उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सीट ऑफर भी श्री गुप्ता जी आगे छोड़ के चले गए और आप कहते हैं कि आपका आम आदमी पार्टी तरफ से खुद ऑफर आया, कहा नहीं जाती मतलब एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में। मैं कांग्रेस छोड़ के जब आम आदमी पार्टी में गया था, उस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भरपूर काम कर, जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मैंने एक बार भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस से भी मुझे बहुत प्यार मिला था, कांग्रेस के नेताओं से मेरा आज तक वही संबंध है जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो मेरे संबंध, आम आदमी पार्टी का आने से पहले मेरे संबंध, मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजनीति एक अलग चीज है, व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज है। हम कहीं रहे व्यक्तिगत संबंध मेंटेन रहते हैं और व्यक्तिगत संबंध मेंटेन रहते हैं। परंतु विचार था अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ी, अरविंद केजरीवाल जी जो शिक्षा के अंदर काम कर रहे हैं, चिकित्सा के अंदर काम कर रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पानी के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, व्यापारियों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उस विचारधारा से जुड़ा और उस विचारधारा के साथ मेरे को हरियाणा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और हरियाणा का कल भी प्रभारी भी बनाया गया, कल मुझे व्यापार जिम्मेदारी दी गई और आज मुझे चुनाव लड़ने की अच्छी जिम्मेदारी दी गई, तो पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाएंगे। अच्छा, आपकी जो बंपर जीत हुई आम आदमी पार्टी की पंजाब विधानसभा में, उसके बाद एक बड़ी हवा चली और हरियाणा में बड़ा मोमेंटम बना था और मैं एक दिन संदीप पाठक जी को सुन रहा था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि मोमेंटम बना था लेकिन हमारे पास क्योंकि वर्कर्स नहीं थे, संगठन नहीं था, तो उसको हम एनकैश नहीं कर पाए या उसको हम ओवर आगे बढ़ा नहीं पाए, वो हवा एकदम जो है आई और फिर डाउन हो गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो ऐसा था कि उस समय काफी MLA, SMLA, सांसद पार्टी के साथ जुड़े और 40 के करीब और जुड़ना चाहते, परंतु अरविंद जी ने कहा था लोग इनसे दुखी है, इन सब को पार्टी के बाद आप स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद जो पार्टी के लिए फिट हो गए उन्हीं को लेंगे, तो वो ज्वाइन ही करते बंद कर, अरविंद जी ने बंद कर हमारा पार्टी का धंधा भी है क्या, बेसिक ग्राउंड से उठा के लोगों को ऊपर ले जाए, लोग जिन नेताओं से पहले दुखी हैं उनको फिर हम यही पे स्थान देते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी में बाकी पार्टी में फर्क। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग होने के बाद ज्वाइन कराई, वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस उस समय रोक दिया, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग तो हुई, गुप्ता जी, अशोक तंवर जी आए, निर्मल सिन्हा आए, उनकी बेटी आई और फिर वो छोड़ के चले गए। ये यात्रा है, इस यात्रा में 1.5 लाख के करीब पदाधिकारी,
अगर दो तीन लोग छोड़ भी गए विशेष बात, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी बेसिक कार्यकर्ता के साथ है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जरूरी का है, जो बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, जो चाहता है कि हरियाणा विकसित हो, देश विकसित हो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोई छल कपट से काम नहीं करता। अब हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन किया तो हरियाणा का 10 की 10 लोकसभा जीतने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दूसरे दल से छोड़ के कोई नेता किसी पार्टी में आता है तो उसकी कुछ उम्मीदें होती है, कुछ वो अपनी आकांक्षाएं लेकर आता है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये अचीव करना है इस पार्टी में। अशोक तंवर के बारे में कहा जाता है कि राज्यसभा की सीट जो खाली थी वो चाहते थे राज्यसभा की सीट दे पार्टी, तो उन्होंने दी नहीं, ना उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसलिए वो पार्टी छोड़ गए। लेकिन चलो उनका तो एक ये बात हम मान लेते हैं कि उनकी वजह रही भी होगी अगर, लेकिन निर्मल सिंह जी का आप क्या मानते हैं, वो क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि बड़ा शॉर्ट पीरियड उनका रहा। देखिए निर्मल सिंह जी, चित्रा जी, अशोक जी जो भी पार्टी छोड़ के गए उनका व्यक्तिगत निर्णय और क्या उन्होंने सोचा ये तो उन्हीं से पूछेगा तो ज्यादा बेहतर। मैं इस विषय के अंदर क्या बता सकता हूँ, किस व्यक्ति के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, परंतु आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को पूरा सम्मान देती है, सम्मान देने का कोई कमी नहीं। अच्छा आपका आगमन हुआ है, बड़ी चर्चा है आपकी कि भाई गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे पहले तो यह है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा आम आदमी पार्टी की क्यों मांगी, क्या वजह? धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र के ऊपर 18 दिन का युद्ध चला, इस युद्ध के अंदर पांडवों ने विजय प्राप्त किया, उस संख्या में थोड़े थे, कौरवों की विशाल सेना थी, बड़े बड़े पहलवान और राजा महाराजा उनके साथ थे, पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण, हमारे साथ भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की क्रम भूमि कुरुक्षेत्र, तो यहाँ से हमें आशीर्वाद मिले। आपका जो कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ है, खासकर हरियाणा की अगर बात करूं तो मैं किस तरह का रिस्पॉन्स लोकल जो लीडरशिप है कांग्रेस की या जो वर्कर्स हैं उनसे आपको मिल रहा है, मतलब तो जो चीज ऊपर से बन के आई है क्या वो नीचे भी उसी तरीके से साथ आए हैं या फिर नीचे अभी बात? मुझे कांग्रेस का एक भी साथ ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे लिए काम ना करे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत जरूर के साथ है, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर मैं जरूर कांग्रेस का देख बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व भी और छोटे से छोटा जा रहा है। अच्छा आपके पुराने साथी रहे भले थोड़े दिन के लिए निर्मल सिंह जी, वो भी यहाँ से एक बार चुनाव लड़े ना देख रहा था कुछ तो लोकसभा से, उनका साथ मिल रहा? निर्मल सिंह जी मदद करने के लिए आए, चित्रा जी मदद करने के लिए आए, और निर्मल सिंह के शब्द बहुत सुंदर, उन्होंने कहा कि मैं सुशील जी का बहुत दिल से मदद करना चाहता हूँ, कि मेरे ऐसे संबंध है, उनके शब्द तो वही बयान कर रहे हैं, परंतु उनके बहुत सुंदर शब्द, वो साथ दे रहे हैं आपका पूरा साथ। लेकिन गुप्ता जी कांग्रेस के अलग अलग गढ़ों की चर्चा होती है और जैसे कहीं भी हमने देखा है कांग्रेस के बड़े नेता जब जाते हैं तो मान लो हुड्डा जी कुछ छत्र आए तो एक अलग गुट आएगा, उन्हीं के वर्कर होंगे वो, उसको शैलजा जी की मीटिंग में नहीं दिखेंगे, तो वो चीजें के नीचे आपको तंग तो नहीं कर रही इस तरह की चीजें कांग्रेस की? मैं भी सुनता था कई गुट है, परंतु कुरुक्षेत्र में आके मैंने देखा सब यहाँ इकट्ठे बैठ रहे, हर व्यक्ति काम कर रहा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयवाल जी पूरा समर्थन सबसे पहले जी के, रणदीप सुरजेवाला जी आए और समर्थन, शैलजा जी ने समर्थन अपना दिया, सब ने यहाँ पे जितने भी विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, पूर्व स्पीकर है, सब खुले मन से और एक साथ बैठा, मतलब जब आप
कहीं मैं सुनता हूँ भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, परंतु धरातल जब एक एक विधानसभा का नजर तो एक ही कार्यकर्ता एक ही लीडर हम मन से लगे। अच्छा, ये जो हालिया घटनाक्रम हुआ है प्रदेश की राजनीति में, इसको आप गुप्ता जी कैसे देखते हैं? खासकर आप कहते थे नायब श्रेणी नहीं गायब श्रेणी है, लेकिन वो गायब श्रेणी को सीएम बन गए। देखिए, सबसे पहले मैं नायब सिंह को बधाई देता हूँ, प्रदेश के और इसके अंदर तो खुद हो रहे हैं कि वो एक कमजोर नेता। अच्छा, नायब सिंह जी सुरक्षित से तो गायब हुए हरियाणा की जनता को दिखा कर पाए, और यही कारण है कि उनको सांसद रहते हुए यहाँ से जिला पार्षद का चुनाव उन्होंने अपने पत्नी को लड़वाया और वो चौथे नंबर पर, आप लोकप्रियता का हिसाब लगा सकते। आज उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, परंतु उनकी धर्म पत्नी जिला पार्षद के चुनाव में चौथे नंबर पर आए तो हरियाणा की क्या स्थिति होने वाली है? अगर ये समझते हैं कि समय पे मुख्यमंत्री बदल दे, जनता झांसे पे आ जाएगी, समय पे जेजेपी का गठबंधन तोड़ दे, वोट काटने का काम करेंगे। 2019 के अंदर जैसे उन्होंने किया, एक दूसरे को गालियां मजबूती के साथ दी और ये कहा कि भाई हम उसको जन्ना बाहर भेज देंगे, वो कह रहा उसको ना भेज देंगे, और फिर एक मलाई का गठबंधन हुआ, मेरे के 5 साल बजे भी, फिर जनता को मूर्ख बनाने के लिए सोचे समझी रणनीति के तहत इस गठबंधन को तो कि फिर एक दूसरे के लिए वोट मांगने का और वोट काटने का काम करें, ये रणनीति अब चलने वाली। लेकिन भाजपा ये कहती है, आपने एग्जांपल दिया लोकप्रियता का, आपने कागज जिला परिषद के चुनाव में उनकी पत्नी की बात की आपने, वो चौथे नंबर पर, लेकिन भाजपा कहती है कि हम आम कार्यकर्ता को भी सीएम बना सकते हैं, हमारे यहाँ ये विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं में, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये लोकप्रियता वाली बात कहना उधर भाजपा का ये एग्जांपल क्यों फिर हिंसा नाराज करते हैं? परोक्ष रूप से तो ये कहा जा रहा है कि संजय भाटिया जी को प्रधान बना दिया और नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये डायरेक्ट रूप से ठट्टर साहब ये चीजों का कर रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर चर्चा है। तो ये डिफेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जो सरकार काम करने में फेल, नशा चारों तरफ बढ़ चढ़ के हर जगह पर, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, स्कूल सबसे बुरा, हॉस्पिटल सबसे बुरे हालत में है, बिजली कई कई घंटे तक कट रहता है, महंगी मिलती है, 5-5 साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन मिलते नहीं, किसानों पे लाठी चलवा रहे हैं, व्यापारियों पे गोली चल रही है, राजनेताओं के मर्डर हो रहे हैं, सरपंचों के प्रधानों के मर्डर हो रहे हैं, कल कुरुक्षेत्र में डॉक्टर पे गोली मार दी, जब ये सरकार चारों तरफ से जो तो ये जाति का ही काट के नहीं काम का तो खेल नहीं सकते, काम तो इन्होंने किया नहीं। पिछले 9 साल के अंदर 47 बार पेपर लीक जिस सरकार के राज में हुआ, अग्निवीर योजना लाके हरियाणा के लोग फौज में जा करके उसको भी 4 साल का बना दिया, एक नया उद्योग यहाँ पे लगाया, 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट आने जंगल राज बना दिया, कानून का राज, तो ये कार्ड करेंगे जाति का धर्म का, इसके अलावा तो जो बचा नहीं, हरियाणा की जनता नफरत कर रही है बात। एक मैं सवाल ये लेना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं हरियाणा की जनता नफरत कर रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं या अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं हम 10 की 10 सीटें जीते हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, वो भी दावा करते हैं, लेकिन इस मूव को कैसे देखते हैं? जैसे आपने बीच में जिक्र किया कि जसपा को एक स्ट्रेटेजी के तहत अलग किया गया, इसकी चर्चा है, लेकिन उधर दुष्यंत चौटाला की थोड़ी छटपटाहट नजर आ रही है, वो चाहते थे कि एक दो सीटें उनको मिल जाए, लेकिन आप दूसरी काम नहीं बता रहे। नहीं, आप बताओ, अगर वो छटपटाहट नहीं दिखाएगा फिर जनता के पास किस मुंह से जाएगा?
अस्पताल तो दिखानी बनती है, अगर स्ट्रेटजी के तहत अलग हुए अलग चुनाव लड़ेंगे अलग वोट मांगेंगे तो जनाधार तो खत्म हो चुका है। जब जनाधार खत्म हो जाता है और आकाओं के इशारे पे ड्रामे करने पड़ते हैं, आकाओं के इशारे पे छपटाट दिखानी पड़ती है, तो वो तो कुछ तो करना ही होता है। आप कहते कि मोदी जी आते हैं हम इशारे आते हैं, कहते हैं 10 की 10 सीट अब जीतेंगे, अगर वो आके ये कहने लगेंगे हरियाणा में बहुत बुरा हाल है कुछ नहीं जीत पाएंगे तो वो कैसे बात बनेंगे। तो उनका फर्ज बनता है कहना कि 10 की 10 रन जीतेंगे, ये इसके अंदर कोई गलत बात नहीं कर, ये उनका धर्म बनता है। लेकिन जो स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि तोड़ने का भी एक समझौता था, कि तोड़ने का भी समझौता करेंगे, तो ये स्ट्रेटजी से कुछ मिलेगा फायदा अगर अलग लड़ेगी तो आपको लगता है किसका वोट काटेगी जसपा? कहा कि आगे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, वो 2019 में चढ़ चुकी, अब तो आंडी दे देगी पकने वाला नहीं है। अच्छा, आपके कैंपेन पे थोड़ा बात कर लेते हैं, आप कई दिन से यहाँ एक्टिव में देख रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे आप लेके जा रहे हैं जनता के बीच, खासकर क्योंकि आपका दिल्ली मॉडल की बात की जाती है, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी ने कैंपेन लॉन्च किया है। सबसे पहले हम लोकतंत्र बचाने की बात, हरियाणा की बुरा हाल बदहाल व्यवस्था को बदलने की बात, लोकसभा के अंदर इस क्षेत्र की आवाज बन के क्षेत्र के विकास की बात, क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार का विकास लगना चाहिए। नायब सिंह ने आज तक कुरुक्षेत्र लोकसभा की कोई बात लोकसभा वो गांव में भी नहीं है, हमारा मुद्दा ही है कि हम इनके बीच में रहेंगे, इनकी सेवा करेंगे। दिल्ली और पंजाब के मॉडल में जो सुविधाएं दी गई है हरियाणा के अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर हो सकते। अच्छा, आपने नायब सिंह का जिक्र किया, लेकिन मतलब अगर वो जिस तरीके से उनको सीएम बनाया गया है, आपको लगता है कि अब मान लो कोई भी अगर सीएम व्यक्ति बनता है उसका गृह क्षेत्र उसका जिला वहां से फिर वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, आपको लगता है कि कोई चैलेंज है आपके लिए? मैं तो उनको भी निमंत्रण दे चुका हूँ। अच्छा, और खट्टर साहब को निमंत्रण दे चुका हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री है, पहले तो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको निमंत्रण दिया था, अपराध बहुत बढ़ गया है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करनाल में कहा था कि भाई सुशील मुखर्जी का जवाब आंकड़ों के साथ हुआ, मैंने कहा था कि खट्टर साहब आपके पास आंकड़े तो नहीं है, परंतु कुरुक्षेत्र के आओ यहाँ पे आपका स्वागत है, यहाँ की जनता आपको आंकड़े बताए कि आपकी स्थिति क्या है। और नायब जी तो गायब जी थे, अब वो मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, सांसद है, सांसद बनते हुए अगर दोबारा सांसद का वो लड़ना चाहे तो उनका भी अभिनंदन स्वागत है, ये लोकतंत्र में चुनाव करा है, हर व्यक्ति आना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि मजबूत से मजबूत साथी इस चुनाव में हमारे सामने आए, ताकि कुरुक्षेत्र का युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध रहे, भगवान कृष्ण जिनके साथ हो तो फिर डर किस बात। अच्छा गुप्ता जी, एक पंजाब का आपने जिक्र किया, मैं आपसे कई बार हरियाणा में सवाल पूछा गया है सवाल को लेकर, आपने बड़ा क्लियर सा एक जवाब दिया और आपके एक जवाब पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपने कहा कि पंजाब में अगर हमारी सरकार है हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी तो हरियाणा के हर खेत को सवाल पता नहीं है, ये आप कहते हैं, लेकिन पंजाब में ये चीजें जाके उल्टा हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि हरियाणवी होने के नाते, मतलब एक देशवासी होने के नाते, इस समस्या का क्या समाधान देगा? 2014 में नरेंद्र मोदी रेवाड़ी से जनसभा करके शुरुआत की और ये कहा था कि देश का 65% पानी बह के पाकिस्तान की तरफ जाए, मैं उस पानी को मोड़ूंगा, उस पानी का हरियाणा का हक है, पंजाब का हक है, राजस्थान का हक है, इस धरती की पानी का बंटवारा करना देश के प्रति। प्रधानमंत्री एक तरीके से फादर फिगर होते हैं कंट्री के लिए, पानी की जरूरत तो पंजाब को भी, पानी की जरूरत हरियाणा को भी, तो प्रधानमंत्री जी का सर करें, सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री तमाशा नहीं देख सकते, मुखातरा करना पड़ेगा, तो मैं आज भी आपके कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपनी ड्यूटी को निभाएं और दोनों प्रार्थना को पानी दें।
लेकिन जब केंद्र सरकार की ओर से मीटिंग की जाती है तो उसमें पंजाब के आपके जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं हमारे पास देने के लिए पानी है, पानी केंद्र सरकार दे रहा है, पानी का बंटवारा भाखड़ा नंगल डैम से जी। अगर ये ऐसे लड़ाते रहे खट्टर साहब से जो पानी था हरियाणा के से का वो भी राजस्थान मिल गया। अरे कुछ दिन पहले समझौता किया है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है तो हम राजस्थान को भेजेंगे। मुझे लगता नहीं कि खट्टर साहब को हरियाणा के किसान कैसे का पानी राजस्थान को भेजना चाहिए था, तो भेज दिया क्योंकि राजस्थान में इनकी सरकार आ गई। राजस्थान में लोकसभा की सीट ज्यादा है, पंजाब में लोकसभा की सीट ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री जी फैसला नहीं करते। खट्टर साहब को ये मालूम था कि हरियाणा में तो जीत नहीं रहे, प्रधानमंत्री को भी ये मालूम था कि हरियाणा में नहीं जीत रहे, तो चलो पहले राजस्थान ही भेज देते शायद वहीं से बंद मिल जाए। अच्छा नवीन जिंदल जी का जिक्र करना चाहूंगा, बीच में वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की टिकट पर, जीते भी हालांकि पिछले दो चुनाव वो हारे, तो उनके बारे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स इस तरह के बीच में उड़ी होता है कि वो भाषा में स्विच कर सकते हैं। अगर वो, मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि अगर वो भाजपा में आते हैं तो किस तरह का मुकाबला आप नवीन जिंदल जी से देखते हैं? नवीन जिंदल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, भाजपा में जाने का उनका कोई मन नहीं। अच्छा बात हुई है, नहीं मैं कह रहा कोई मन नहीं है, आदमी बताता है जिंदगी भर कांग्रेस पर है, उनके पिताजी कांग्रेस पर है, उनकी माता जी कांग्रेस में, उनकी माता जी हिसाब से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा अगर मजबूरी होगी प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी या किसी और की तरफ से ईडी का डंडा आएगा बहुत मजबूरी होगी तो बीजेपी में जाएगा, मुझे लगता नहीं। मुझे लगता नहीं उनका कोई मान नहीं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उस परिवार की मैं इज्जत करता हूँ, बहुत भले आदमी है, परंतु जो उनका मन है वो कांग्रेस के साथ। अच्छा ईडी के डंडे का आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी इस डंडे की बड़ी चर्चा है और अरविंद केजरीवाल जी को लेकर खासकर उनको कई समन भेजे गए हैं और बड़े लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की ईडी गिरफ्तारी कर सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है, कैसे देख रहे हैं जो खेल पूरा चल रहा है ईडी का? ईडी का खेल है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए दो के लिए काम करती है, सालों साल बंद कर देती है झूठी के सौदे, जमानत जब जज देने की बात करता साहब फिर कहते हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भेजेंगे और चार्जशीट भेजेंगे, 1500 अफसर इन्होंने लगा के इन्वेस्टिगेशन करा, हमारे मनीष सिसोदिया जी को बंद कर रखा है, सुंदर जैन जी को बंद कर रखा है, संजय सिंह जी को बंद कर रखा है, आज तक एक रुपया तो निकाल नहीं पाए, अभी अरविंद केजरीवाल जी को बंद करना चाहते हैं, अभी कहते हैं समझौता तोड़ो ये दिया गठबंधन से हट जाओ हम सब कुछ माफ करेंगे सारे नोट से विड्रॉ करेंगे, उन्होंने उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अब हमारी चौधरी साहब से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि वो कुछ दिन में एक बड़ी जनसभा के जरिए वो भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, तो कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट? जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चौधरी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा किसान के साथ है, सर छोटू राम जी के परिवार से संबंध रखते हैं, जब किसानों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी, जब मनोहरा खट्टर जी इनकी जड़ चीन में पाकिस्तान में बता रहे 750 किसानों ने शहादत दे दी, इनके मंत्री टैनी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तब भी वीरेंद्र सिंह बहुत रोड़ी किसानों के पास आ गए, जब पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा था, यौन अपराधी इनका सांसद ब्रज भूषण शरण के खिलाफ FIR लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, तब भी वीरेंद्र सिंह बहुत रोड़ी उनके आत्मा उनको कचोड़ कितने दिन आदमी आत्मा मार कर रहे उन्होंने अपना निर्णय ले लिया, तो आपसे मुलाकात हुई कि नहीं? इस पर बातचीत हुई साइड में कांग्रेस में जो उनकी बेटी है उसके पास, मैंने उनको बधाई दी कि आपने वो जो आपके ऊपर था जो आप मन मार के
कहीं रहे हुए थे, आपने सपोज को उतार के फेंक दिया, आपको पता है। अच्छा गुप्ता जी, आखिरी सवाल है मेरा, आपकी दिल्ली से हरियाणा की राजनीति में एंट्री हो रही है, पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप हरियाणा के अपने जीत से आप आते हैं उससे इस भाषा में जवाब दें कि अगर आप सांसद के चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से तो किस तरह के कुरुक्षेत्र का आप निर्माण का वायदा जनता से करें। सबसे पहले तो नायब सिंह की तरह गायब नहीं रहूंगा, जो मुझे ग्रांट मिलेगी एक एक गाँव में जाऊंगा, गाँव के पंचायत के बीच में उसको बांट, और मैं बड़ी होना चाह रहा हूँ देसी डाटा का अवतार में किसी दिन आराम के सवाल। तो मैं लोकसभा के अंदर चीख चीख के कुरुक्षेत्र की आवाज को बुलंद, हरियाणा की आवाज को बुलंद, कुरुक्षेत्र लोकसभा के हिस्से का पैसा यहाँ पे लगवाऊंगा, यहाँ पे जो रुके हुए काम है उनको आगे बढ़वाऊंगा और यहाँ के विकास के काम। तो सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे, इलेक्शन कैंपेन इनका जोरों पर है, कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि नायब सैनी को इन्होंने फिर भी गायब सैनी बताया और कह रहे हैं चलो मुख्यमंत्री बन गए मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये साथ ही साथ चैलेंज भी दे रहे हैं कि वो चाहे तो फिर से लोकसभा लड़ने आ जाए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनको भी चैलेंज दिया है कि चाहे तो वो लड़ने आ जाए और ये अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया अलायंस जीतने का काम करेगा। आगे क्या रहेगा वो तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरी चुनावी कवरेज हम आपको हरियाणा तक पर दिखाते रहेंगे और गुप्ता जी का कैंपेन आगे किस तरह चलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हरियाणा तक के साथ। शुक्रिया।